सभी प्रोग्राम अधिकारियों का आज के इस पीएफएमएस संबंधी कार्यशाला सत्र में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पीएफएमएस अकाउंट्स के अंदर आजकल एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 1 अक्टूबर 2023। इस मैसेज के इतना सा मतलब ये है कि हमने अपने पीएफएमएस अकाउंट्स, चाहे वो हमारे डाटा ऑपरेटर आईडीज़ हों, चाहे वो अप्रूवर आईडीज़ हों या फिर एडमिन आईडीज़ हों, इनके अंदर जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इनको वेरीफाई करना है 1 अक्टूबर 2023 से पहले। इस संबंध में संबंधित यूनिट्स को जो है एक पत्र भी जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि आपने इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र जो है पूरा कर लेना है, और इस बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जो है वो आपको बताया गया है। इस संबंध में इस कार्य को हमने कैसे पूरा करना है, इस बारे में आज की कार्यशाला का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कार्य संपन्न हो सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने अपने डाटा ऑपरेटर आईडी के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना सुनिश्चित करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार की आईडीज़ जो हैं वो पीएफएमएस के अंदर उपलब्ध रहती हैं, कि डाटा ऑपरेटर, एक डाटा अप्रूवर और एक डाटा एडमिन आईडी। तो पहले डाटा ऑपरेटर आईडी को हम अपडेट करेंगे। इस संबंध में कार्य कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए पहले अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप एंटर कीजिए, और उसके बाद कैप्चा कोड को एंटर करते हुए, जैसा कि मैं आपके सामने एंटर कर रहा हूँ, हूबहू इस कोड को एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लॉगिन है वो सामने आ जाएगा। इस संबंध में आपने कार्य आगे कैसे पूरा करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड के मेन्यूज़ में माई डिटेल ऑप्शन पर जाना है, और उसके बाद माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही माई प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो संबंधित डिटेल जो डाटा ऑपरेटर की है वो आपके सामने आ जाती है। आपने इस डिटेल को एडिट करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइप ऑफ यूज़र मेंशन हो जाता है एजेंसी डाटा ऑपरेटर, और उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपका ओके है तो आप उसको चेंज किए बिना रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा चेंज इसमें किया। उसके बाद मेल आईडी जो है वो मुझे एज इट इज़ वही है जो पहले से अच्छी आईडी सही है, क्योंकि मेरा ना ट्रांसफ़र हुआ है ना ही मैंने प्रोग्राम अधिकारी का पद अपने इंस्टीट्यूशन से छोड़ा है, और इसके अलावा क्योंकि तो कोई बदलाव की गुंजाइश मेल आईडी में नहीं है तो इसको मैं एज इट इज़ वैसे भी रख सकता हूँ, या अगर कोई मुझे नई मेल आईडी एंटर करनी तो मैं नई मेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। इसके बाद फ़ोन नंबर है और मोबाइल नंबर है, तो संबंधित फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी आपके पुराने वही हो सकते हैं अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जो आपके पहले से थे, लेकिन फिर भी आंशिक बदलाव अगर आप देखना या करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ़ोन नंबर को रिप्लेस करके मोबाइल नंबर के ऑप्शन में डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर के ऑप्शन को फ़ोन नंबर में डाल दीजिए, जिससे कि एक आंशिक बदलाव जो है वो आपके अकाउंट में अपने आप झलक जाए और आप उसको वेरिफिकेशन बाद में कर सकें। अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी जो है आपका जो डाटा है वो जस्ट सिंपली अपडेट होगा, वो वेरिफिकेशन के पर्पज़ से उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि आपका हूबहू वही रिकॉर्ड जो है जो आपने पहले से ही वेरीफाई करके सेव कर रखा है वही सेव इसमें हो जाएगा। तो हल्का सा आपको ये बताने के लिए कि वेरीफाई कैसे होता है डाटा बेसिकली, अगर आप कुछ बदलाव करते हैं तो थोड़ा सा बदलाव करने के लिए मैंने क्या किया, अपने ही दूसरे फ़ोन नंबर को दूसरी जगह शिफ्ट किया, फ़ोन नंबर में शिफ्ट किया और फ़ोन नंबर को मोबाइल नंबर की जगह शिफ्ट किया। तो ऐसा करने के बाद जब मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा तो अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो मेरी पुरानी मेल आईडी थी उसके सामने सेंड ओटीपी का कोई ऑप्शन नहीं आया, जो पुराना फ़ोन नंबर था जो सेव्ड ऑटोमेटिकली पहले से था उसका कोई सेंड ओटीपी का ऑप्शन सामने नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे अपना मोबाइल नंबर जो है वो बदल कर जो मेरे एक और नंबर है मैंने उसको यहाँ पर मैंशन किया तो सेंड ओटीपी बाय एसएमएस का ऑप्शन यहाँ पर सामने आ गया। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि जिस नंबर को आप बदल कर सेव करेंगे उसके आगे जो है सेंड ओटीपी बाय एसएमएस का ऑप्शन जो है वो सामने आएगा। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि इस नंबर को वेरीफाई भी करना है, तो इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए आप सेंड ओटीपी बाय एसएमएस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ गया ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि ये है, और उसके बाद एंटर ओटीपी, और बाद में बोल रहे हैं कि ओटीपी एक्सपायर इन विद इन 5 मिनट्स एक्सपायरी हो जाता है। तो अभी टाइमलाइन का शुरू हो गया है, 4 मिनट कुछ सेकंड बचे हैं, तो अब आपको अपने मोबाइल नंबर कंसर्न जो कि आप अपडेट कर रहे हैं उसमें अपना जो है ओटीपी नंबर चेक कीजिए और उसको फिल कीजिए।
तो हमारे पास जो है ओटीपी उपलब्ध हो गया है। जो ओटीपी है वो आपके सामने मैं एंटर यहाँ पर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर दिया ओटीपी एंटर करने के बाद। तो इसके बाद जो है हमारे पास अगला स्टेप ये रहता है कि हमने वेरिफिकेशन करने के बाद जो है अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने अपडेट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है जो डिटेल मुझे सामने दिखाई दे रही है। और उसके बाद पहले जो मोबाइल नंबर था वो ये रिफ्लेक्ट होकर आया 7717 लास्ट में था, लेकिन अब जो अपडेट मैंने किया है वो जिसमें लास्ट में 10234 है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपडेशन भी इसमें होती है डाटा की, लेकिन अभी जो अपडेट किया ये अभी अनअप्रूव्ड है क्योंकि इसको अप्रूव भी करना है। तो जस्ट हमने इसको अपडेट किया और अप्रूवल के लिए अभी आगे गया, किसके पास जाएगा? हायरार्की में अगर हम बात करें तो कोई भी डाटा डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की तरफ से जाता है अप्रूव होने के लिए, तो वो डाटा एडमिन के पास जाता है। तो ये एडमिन आईडी से जाकर जो बाद में अप्रूव होगा। और इस कार्य को करने के लिए पहले हमें अप्रूवल ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने इसमें अगर आप मैं बताऊँ तो हमारे पास सबसे बॉटम पे सर्च अप्रूवर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिटेल आती है, स्कीम टाइप, माई स्कीम, अप्रूवर टाइप, एजेंसी एडमिन, क्योंकि हमारा जो अप्रूवर है वो एजेंसी एडमिन ही है। और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें डिसेबल्ड होंगी, आपको ये वैसे डिसेबल्ड दिखाई देंगी। और लास्ट में एजेंसी एडमिन जी प्लस पथ हो गया पर लिखा है, जो मेरे अपने यूनिट का नाम है। मैं बाद में इसमें सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये सबमिशन इसका हो जाए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है हमारे पास डिटेल आ जाती है, एडिट रिक्वेस्ट है जिसमें उसका नंबर पड़ा हुआ कि आपने इसको एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है और ऐसा वैसा। तो इस तरीके से जो है आपका ये स्टेटस अगर आप देखेंगे लास्ट में तो इस रिक्वेस्ट का क्या है, एजेंसी एडमिन सबमिटेड, यानी कि एजेंसी के एडमिन को ये सबमिट हो गया है एडिट का रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार से हम अपना डाटा ऑपरेटर का जो कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करने का, इसी प्रकार से हमने अगली एडिट रिक्वेस्ट जो है वो डाटा अप्रूवर अकाउंट की भी जो है वो डाटा एडमिन के पास भेजनी है। तो आइए देखते हैं इस कार्य को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले तो अपने डाटा ऑपरेटर अकाउंट से लॉगआउट कर लेना है और उसके बाद डाटा अप्रूवर अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज होने का रहा होगा तो हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विद्यालय से DDOs और जिनको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अगर किसी के ट्रांसफ़र हुए हों तो उनके लिए तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संबंध में ये कार्य कैसे पूर्ण किया जा सकता है इसको हम देखते हैं। सेम आपने डाटा अप्रूवर आईडी एंटर करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद उसका जो आपका कैप्चा कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है उसको आपने एंटर करना है और उसके बाद डाटा अप्रूवर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। डाटा अप्रूवर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि सिंपली आप लेफ्ट साइड में माई डिटेल्स ऑप्शन पे जाएंगे, वहीं माई प्रोफाइल ऑप्शन आपको देखेगा जैसा कि आपने ऑपरेटर अकाउंट में किया था। और यहाँ पर आपको फिर से एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि जैसे कि मेरे विद्यालय के जो DDO और प्रिंसिपल जिनको हम कहते हैं वो बदले गए हैं, ट्रांसफ़र होकर नए आए हैं, तो मुझे उनकी डिटेल्स एंटर करनी है तो मैं डिटेल्स एंटर करूँगा। तो ये डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने मैं एंटर कर रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आपको विस्तार से बताने के लिए कि मेल आईडी के पास भी जो है वो ओटीपी जाता है, मैं टेम्परेरली इनकी मेल आईडी भी यहाँ से बदलकर एक डमी मेल आईडी जो कि टेम्परेरली टेस्टिंग के पर्पज से आपको बताने के लिए यूज़ में लाने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर मैंशन करने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि ईमेल के लिए भी ओटीपी जाता है अगर आप उसको बदल कर नया डालते हैं। तो मैंने मेंशन किया। इसके बाद फ़ोन नंबर भी जो है मैं बदल कर जो है मैं एक डमी तौर पर जो है वो आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। और वैसे ही आप जो है संबंधित DDO का जो मोबाइल नंबर है आप उसको भी अगर अल्टरनेट नंबर के फॉर्म में, मोबाइल नंबर के फॉर्म में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं इस डाटा को एंटर करने के बाद अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ईमेल पर भी जो है वो सेंड ओटीपी ऑन ईमेल ऑप्शन आया है, और वैसे ही मोबाइल नंबर जो बदल कर नया डाला उसके आगे भी सेंड ओटीपी बाय एसएमएस ऑप्शन आया है। तो अगर मैं इसको बदलना चाहूँ
तो मैं मेल आईडी के लिए सेंड ओटीपी ऑन ईमेल पे क्लिक करूंगा, और वैसे ही सेंड ओटीपी बाय एसएमएस के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जैसे कि अगर टेम्परेली मैं आपको बताने के लिए सेंड ओटीपी ऑन ईमेल पर भी क्लिक करता हूँ आपके सामने, इस पर मैंने क्लिक किया तो ओटीपी जो है वो मेल आईडी पर जो है कंसर्न पर गया होगा, तो मुझे वो मेल आईडी ढूंढ कर यहाँ पर वो एंटर करना है 5 मिनट से पहले पहले। तो जैसे मैं इस ओटीपी को एंटर करता हूँ, तो इसका जो अपडेशन है या वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसका वेरिफिकेशन हो गया, वैसे ही सेंड ओटीपी पे एसएमएस पे क्लिक करता हूँ, तो नंबर जो ओटीपी का नंबर जो मेरे पास पहुंचा है वो मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने ये वाला जो नंबर, मोबाइल नंबर मैंने अपडेट किया है, ये भी यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया, अपडेट हो गया। अब फाइनल इस पूरे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मैं एक अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा, और अगर आप देखें तो मोबाइल नंबर के आगे जो है आपको दिख रहा होगा कि पहले जो अपडेटेड था नंबर वो पुराने वाला था, और जो बदल कर अब नया हो गया है वो ये रहा, और उसके आगे अनअप्रूव्ड लिखा रहा है। और वैसे ही मेल आईडी जो पहले ये थी, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन की सही मेल आईडी है, डमी तौर पर मैंने एक मेल आईडी यहाँ पर ये डाली है जिसको मैं बाद में दोबारा फिर बदल दूंगा मेरी इच्छा अनुसार। तो इसको भी देखिए, क्योंकि मैंने मेल आईडी आपको बदलने का यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि हमने पहले जो डाटा ऑपरेटर का अपडेशन किया तो उसमें हमने मेल आईडी को अप्रूव नहीं किया, अपडेट नहीं किया था, और बाद में उसका वेरिफिकेशन भी नहीं किया था। परंतु आपको ये बताने के लिए कि मेल आईडी का कार्य भी जो है वो अपडेट करने का होता है, अगर नई मेल आईडी आप डालते हैं तो कैसे वो चीज़ होती है, तो उसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब इस प्रकार से मेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है इन दोनों को आप जो है अपडेट कर सकते हैं। इसको करने के बाद, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ये अनअप्रूव्ड है यहाँ पर, तो इसका अप्रूवल करने के लिए आपको अप्रूवर के पास इसको भेजना पड़ेगा, और अप्रूवर कौन है, वो आपका एडमिन आईडी है। तो एडमिन आईडी के पास भेजने के लिए सर्च अप्रूवर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने सर्च अप्रूवर पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ देखें तो वही सारा डिटेल जो पहले वाले डाटा ऑपरेटर के केस में आया था वैसा ही है। इसमें टाइप ऑफ यूज़र जिसको आप भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए, वो एजेंसी एडमिन डैश जीसस कथूक लिखा रहा है, तो वैसे ही आपका अपने यूनिट का नाम या जो भी आपका एडमिन एजेंसी का नाम होगा वो सामने आएगा। कुछ एक विद्यालय में जो है वो आरएमएस अकाउंट्स के अंडर से जो ये स्कीम संचालित हो रही है, तो उनके जो एडमिन हैं वो बीआरसी ऑफिस के अंदर जो कार्यरत अधिकारी हैं वो हो सकते हैं, तो उनके पास एडमिन आईडी हो तो काइंडली आपको इसको अपडेट करवाने के लिए उनसे भी इसको अप्रूव करवाने के लिए आपको उनसे भी वार्तालाप करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर इस चीज़ को एडमिन आईडी से अप्रूव करना है। तो इस कार्य को आपको उस तरीके से करवाना है, और जिनका अपने इंस्टीट्यूशन एनएसएस का अपना एडमिन आईडी अपने उनके खुद के पास है वो अपने आप भी इसको बाद में अप्रूव कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। तो अभी जो है इस कार्य को करने के बाद फाइनली हमने सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है ताकि हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए। तो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद देखिए आपके पास ही एडिट रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर मैंशन हो गई, और जो स्टेटस है वो सामने आ रहा है कि एजेंसी एडमिन सबमिटेड। तो सबमिशन होने के बाद जो है हम अब फाइनली लॉग आउट करेंगे डाटा अप्रूवर आईडी से, और बाद में हमें अप्रूवल फाइनल अप्रूवल प्रोवाइड करने के लिए जो है फाइनल वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोवाइड करने के लिए डाटा एडमिन आईडी में जो है लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग आउट करते हैं डाटा अप्रूवर अकाउंट से, और इसके बाद जो है फिर हम डाटा एडमिन आईडी में जो है वो लॉग इन करेंगे। तो डाटा एडमिन आईडी में लॉगिन करने के लिए डाटा एडमिन आईडी मेंशन करेंगे, और उसके बाद संबंधित कैप्चा कोड जो है इसको एंटर करेंगे। और इस प्रकार से हम डाटा एडमिन आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। तो डाटा एडमिन आईडी में लॉगिन होने के बाद हमने अब ये चेक करना है कि जो हमारे पास डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर अकाउंट से जो एडिट रिक्वेस्ट यानी कि अपडेशन और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जो हमारे पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडीज की आई हैं वो कैसे और कहाँ अप्रूव होंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एडमिन आईडी के अंदर लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड के डिफरेंट मेन्यूज़ में मास्टर ऑप्शन पे जाएंगे, और मास्टर्स ऑप्शन पे जाने के बाद यूज़र्स ऑप्शन के अंदर
मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम के अंदर जो है तीन यूज़र दिखाई दे रहे हैं। तो पहला तो यूज़र आपका एडमिन आईडी यूज़र है, दूसरा आपका अप्रूवर अकाउंट है और तीसरा आपका ऑपरेटर अकाउंट है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग यूनिट्स में इनका जो ऑर्डर है, लिखने का तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा यूज़र अकाउंट है, कौन सा अप्रूवर अकाउंट है, कौन सा ऑपरेटर अकाउंट है और कौन सा एडमिन अकाउंट है। तो हमने जो एडिट रिक्वेस्ट अप्रूवर के लिए भेजी थी और ऑपरेटर के लिए भेजी थी, वो यहाँ पर फाइनल अप्रूवल इसका करना है। तो देखिए, यूज़र नेम में आपको दिख रहा होगा ये मेरे पास दूसरे नंबर पर यहाँ पर अप्रूवर अकाउंट है मेरा अपने इंस्टीट्यूशन का, और यहाँ पर ऑपरेटर अकाउंट है। अगर आप इसके बिल्कुल राइट साइड में चले जाएं तो यहाँ पर आपके पास एडिट रिक्वेस्ट ऑप्शन एक है, जिसमें रेड कलर से एजेंसी एडमिन सबमिटेड जो है दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला जो अप्रूवर अकाउंट है उसके आगे भी एजेंसी एडमिन सबमिटेड लिखा है, ऑपरेटर अकाउंट है उसके आगे भी राइट साइड में यहाँ पर एजेंसी एडमिन सबमिटेड लिखा है। ये बेसिकली दोनों लिंक्स हैं उस अप्रूवल रिक्वेस्ट के, जो कि आपको जिसको फाइनली अप्रूव करना है। तो एक एक करके हम इनको अप्रूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं? पहले मैं डाटा ऑपरेटर अकाउंट की जो एडिट रिक्वेस्ट आई है उसको अप्रूव करने के लिए इस राइट साइड के लिंक पर जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ आप देखिए कि जो चेंज हुआ है मोबाइल नंबर में वो आपके सामने यहाँ पर वेरीफाइड तो लिखा आ रहा है लेकिन अनअप्रूव्ड है, यानी कि वेरिफिकेशन तो हुई है पर अभी अनअप्रूव्ड है। तो इसको मुझे अप्रूव करना है। तो कैसे होगी? अप्रूव बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अप्रूव बटन जो दिया है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास रिमार्क्स ऑप्शन सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट अप्रूव्ड लिखूंगा, यानी कि मैं रिमार्क्स दे रहा हूँ कि ये चीज़ अप्रूव्ड है। तो उसके बाद अप्रूव बटन पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद जो है रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा। और हालांकि अभी इसका जो मैसेज है अनअप्रूव्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरफ, अगर आप देखें कुछ टाइम में, कुछ समय में जो है विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स या फिर जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये अप्रूव्ड ही दिखाई देगा। तो ये आपका अप्रूवल हो चुका है क्योंकि मैसेज आ चुका है। जस्ट सर्वर में थोड़ा टाइम ही अपडेट होने को लेता है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली अप्रूव ये हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोबारा सर्च पर क्लिक करें। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डाटा ऑपरेटर अकाउंट के आगे जो स्टेटस एडिट रिक्वेस्ट का, वहां पर अप्रूव्ड लिखा आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विद इन 5 मिनट्स जो है या विद इन 2 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ सर्वर जो है ये हो जाता है। अगर कुछ समय के लिए ना हो तो कुछ देर बाद ये जो है आपको अप्रूव्ड यहाँ पर दिख जाता है। वैसे ही डाटा अप्रूवर अकाउंट का जो मेरे पास एडिट रिक्वेस्ट का लिंक है, मैं राइट साइड में उसको क्लिक करूंगा और सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड दिखाई देगी, यहाँ पर अनअप्रूव्ड दिखाई देगी। और जो चीज़ें मैंने चेंज की हैं वो हमेशा रेड कलर से आपको रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये रेड कलर से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब मैंने इसको अप्रूव करना है तो मैं अप्रूव पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसमें अभी कुछ गलती है, कुछ चेंज करना है, तो मैं इस पर रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो अप्रूव रिजेक्ट बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद एंटर रिमार्क्स में मैं इसको अप्रूव्ड लिख देता हूँ। तो अप्रूव्ड लिख दिया। तो जैसे मैं अप्रूव पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली क्या है, रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली मैसेज आने के साथ ही जो है ये अप्रूव हो जाएगी। और अगर आप इसका स्टेटस दोबारा चेक करना चाहें कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, तो इस पर आप दोबारा जब सर्च बटन पे बैक जाने के बाद क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये अप्रूव्ड दिखाई देता है। अगर ना देखे अप्रूव्ड, अभी भी अनअप्रूव्ड दिखाई दे, तो आप जो है कुछ समय वेट कीजिए और उसके बाद आपको जो है इसका स्टेटस फाइनल जो है वो अप्रूव्ड ही दिखेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर अकाउंट्स की जो आईडीज हैं, इनको, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, इसको हमने अप्रूवल और अपडेशन जो इसका है वेरिफिकेशन जो है वो कर दिया है। तो इस प्रकार से ये कार्य डाटा ऑपरेटर और अप्रूवर के लिए पूरा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरे टाइप की आईडी बचती है, वो है एडमिन आईडी। डाटा ऑपरेटर अप्रूवर का तो हो गया, लेकिन एडमिन आईडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, इसको अपडेट करने के लिए आपको इस पर लॉग इन करना पड़ेगा एडमिन आईडी के माध्यम से। तो एडमिन आईडी आप एंटर कीजिए, पहले उसका पासवर्ड एंटर कीजिए और उसके बाद जो है आप कैप्चा कोड जो है वो एंटर कीजिए, जैसे कि आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। तो जब आप इस पे लॉग इन करते हैं
तो आपको लॉगिन होने के बाद यहाँ पर भी वही सेम मैसेज मिलेगा कि आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर 1 अक्टूबर 2023 से पहले आपने इसको जो है वो अपडेट कर लेना है। तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले माई डिटेल्स में जाना है और उसके बाद माई प्रोफाइल, और माई प्रोफाइल पर जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एडिट डिसेबल बैक बटन है, आप इसमें एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। तो जो डाटा एडमिन है बेसिकली, आप उसका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। टेम्परेरली मैं कोई एक नंबर मेंशन कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। मेल आईडी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यही आईडी जो है वो ठीक है तो सिंपली आप इसको एज छोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑप्शन किया, अब देखिए हमारे पास वेरिफिकेशन होनी है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की। तो जो आप ईमेल आईडी में डाटा एंटर करेंगे और जो मोबाइल नंबर में डाटा एंटर करेंगे, बेसिकली वेरिफिकेशन उसी का होना है। तो देखिए आपका जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर कुछ और था और मैंने बाद में इसको चेंज करके कुछ और किया टेम्परेरली आपके बताने के पर्पज़ से, और ईमेल आईडी मैंने वही रखी। तो मेरे पास ओटीपी जो है वो बेसिकली इस मोबाइल नंबर के ही इंस्टांस के लिए आया है। तो मैं सेंड ओटीपी पर एसएमएस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस नंबर पर जो है ओटीपी चला जाएगा। और ओटीपी जाने के बाद जो है, जैसे ही मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ ओटीपी के लिए, तो मुझे ओटीपी मिलेगा जिस पे अगर मैं देखूँ तो मैं उसमें ओटीपी चेक करने के बाद जस्ट उसको एंटर करूँगा। और ये एंटर करने के बाद जो है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारे पास डाटा है ये अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद हमने जो है अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद, यानी कि आपने अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली जो है ये मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन फिर से बात वही होगी, आपको राइट साइड में यहाँ पर अनअप्रूव्ड भी साथ में दिखाई देगा। इसको अप्रूव करने के लिए सर्च अप्रूवर पे क्लिक करेंगे, और सर्च अप्रूवर पे क्लिक करने के बाद अब क्योंकि एडमिन आईडी को आप अपडेट कर रहे हैं, उसके क्रेडेंशियल को अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अप्रूवल के लिए जो है थोड़ा सा तरीका यहाँ पर अलग बनेगा। आप अप्रूवर पे क्लिक करते हैं, सर्च अप्रूवर पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्कीम टाइप और माई स्कीम्स वगैरह सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ पर स्कीम का नाम सेलेक्ट भी करना है, जो कि नेशनल सर्विस स्कीम 9230 जो है इसका कोड रहेगा। और 9230 क्लिक करने के बाद जो है एजेंसी एडीएम वगैरह और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और एजेंसी का जो यूज़र नेम टाइप है जो इसको अप्रूव करेगा उसका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल जो है आप इस पर कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद जो है आपका जो ये एडमिन आईडी का अप्रूवल रिक्वेस्ट है वो चला जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने देखेंगे जब आप इसको सबमिट कर देते हैं तो एडिट रिक्वेस्ट का नंबर आ गया और स्टेटस में आ गया फंडिंग एजेंसी सबमिटेड। तो इस प्रकार से यानी कि आपका डाटा जो है फंडिंग एजेंसी के पास सबमिट हो गया है। अब इसके बाद आप जो हैं मास्टर्स ऑप्शन पे जाएंगे, और मास्टर्स ऑप्शन पे जाने के बाद यूजर्स ऑप्शन पे जाएंगे, और यूजर्स के अंदर मैनेज ऑप्शन पे जाएंगे, और फिर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप पाएंगे कि जो आपकी एडमिन आईडी थी जो फर्स्ट नंबर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके बिल्कुल राइट साइड में जो है एडिट रिक्वेस्ट का लिंक जो है वो सामने आ गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे कि आपने पहले भी किया। फिर यहाँ पर आप अपने इस जो चेंजेस हुए हैं उसको आप देखेंगे, रेड कलर में दिख रहे हैं। आप जस्ट उसके बाद अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्रूव्ड ऑप्शन जो है या फिर अप्रूव्ड रिमार्क्स जो हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अप्रूव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपका ये रिकॉर्ड भी अप्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, और इसका फाइनल चेक करने के लिए एक बार बैक बटन दबाइए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे आपको तीनों स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तो तीनों अप्रूव्ड का मतलब है कि आपका फाइनल जो वेरिफिकेशन होना था वो हो चुका है, और अगर आप वैसे ही एक बार चेक करना चाहें दोबारा लॉग आउट करके, लॉग इन करके एडमिन आईडी में, तो दोबारा लॉग आउट करके आप इसको लॉग इन दोबारा से कर सकते हैं अपनी फुल श्योरिटी के लिए कि हाँ जी मेरा पूरा काम जो है वो ठीक से हो गया है। तो मैं दोबारा इसमें एक बार लॉग इन कर रहा हूँ, और उसमें फिर से मास्टर्स ऑप्शन पे जाके, यूजर्स में जाके, मैनेज में जाके, जब आप क्लिक करेंगे सर्च बटन में,
तो आप पाएंगे कि आपके तीनों यूजर जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, इनकी एडिट रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव्ड ही शो हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये क्लैरिफाई और कन्फर्म हो गया कि हमने जो तीनों अकाउंट्स का मतलब है ऑपरेटर अकाउंट, अप्रूवर अकाउंट एंड एडमिन अकाउंट, इनकी जो एडिटिंग की, इनकी जो वेरिफिकेशन की, वो अप्रूव हो गई है और हमारा वेरिफिकेशन जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से हमें ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो भी आप सबके ध्यानार्थ जो है वो ऑलरेडी एलोकेट कर दी गई है और आपको स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बताया गया है। उन्हीं स्टेप्स को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया है, जिसमें जिला कांगड़ा एनएसएस परिवार की जो टीम है वो इस पूरे इस कार्यशाला में जो है आपको बताने के लिए जो है और आपको इस पूरे प्रोसेस की सुविधा देने के लिए तत्पर रही। तो इस टीम के माध्यम से आप सबको इस आगामी कार्यशाला के बाद जो इस कार्य को पूरा करेंगे, इसके लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।